अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.8 देखने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सोलेनॉइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है 2000 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो है वो इतना दिया हुआ है और करंट इसमें 4 एम्पियर का दौड़ रहा है। ठीक है, ए और बी करके दो क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर को करते हैं। तो सबसे पहले बोल दिया नंबर ऑफ टर्न्स इतना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, करंट इतना। तो बताइए, ए नंबर में बोल रहा है, तो बताइए कि इस सोलेनॉइड से होते हुए के करस्पॉन्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा इस सोलेनॉइड का। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला सिंपल है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर फॉर्मूला होता है NIA नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमारा हो गया क्या 2000 इंटू करंट हमारे पास कितना है 4 इंटू रही बात एरिया की, तो ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या -4। ठीक है, सब ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ये जीरो से ये जीरो कट गया, दो चार गुना दो, चार दुना कितना हो जाता है 8, डबल जीरो। ठीक है, तो कहते हैं ये चार दुना 8 डबल जीरो वैसे छोड़ दिए, अच्छा गुना में 16 इंटू 10 टू द पावर क्या है -4। अच्छा 16 गुना 8 करेंगे तो 16 अठे 128 होता है, डबल जीरो वैसे ही छोड़ दिए, इंटू 10 टू द पावर क्या है -4। अच्छा 128 डबल जीरो डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस में नीचे आएगा, 10 टू द पावर +4 हो गया, तो 128 डबल जीरो डिवाइडेड बाय ये 10000 हो गया है ना। एक दो कट गया, दो जीरो है तो यहाँ रख देंगे, तो 1.28 कितना आया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं रहता, करंट के लिए एम्पियर, मीटर एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। इतना ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या आंसर हो गया, हम लोग ए नंबर सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर में बात करते हैं। बी नंबर में बोल रहा है कि अगर क्या आते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लेकर के आते हैं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मान है इतना टेस्ला। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना लेकर के आते हैं जो कि इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बताइए कि सबसे पहले कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स तो भैया मेरा हो जाएगा क्या 0, क्योंकि जितना इस पे एक तरफ फोर्स लगेगा उतना ही दूसरा तरफ नेट फोर्स मेरा क्या बराबर होके कैंसिल आउट एक पोल पे। और तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल सॉरी अगर कोई मैग्नेटिक डायपोल डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उस पे लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। सेम उसी प्रकार जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। सेम टू सेम मैग्नेटिक डायपोल एक तरह से ये सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह होता है। तो सोलेनॉइड यानी कि एक मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अगर इसकी जगह सोलेनॉइड की जगह एक बार मैग्नेट भी होता तो उस पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 ही होता। ठीक है, कैसा मैग्नेटिक फोर्स मेरा क्या होगा 0। अच्छा उसके बाद नौ, आगे एक और चीज़ पूछा कि टॉर्क बताइए भैया टॉर्क कितना होता है। टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है MV साइन थीटा, तो लगा देते हैं M का मान मेरा कितना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो हम लोग इस चीज़ का निकाल चुके हैं 1.28 इंटू B की बात करें तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड है 7.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है भैया -2 इंटू साइन थीटा की बात करें तो साइन 30 डिग्री। यहाँ पे बोला गया ना कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ सोलेनॉइड के साथ क्या किया गया है 30 डिग्री का एंगल लिया गया है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से इसको कटा रहे हैं 0.64 64 दुना 128, तो ये 2 से ये कटा दिए इसको। ठीक है, गुना में 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 रखे, 2 से इसको हम कटा चुके हैं, ध्यान रहे। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर क्या -2, मेरा वैसे ही रह गया। अच्छा पावर माइनस में नीचे लेके जाएंगे 4.8 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई क्या 100, तो ये मेरा क्या दो अंक और इधर खिसक जाएगा ना, या पॉइंट और उड़ाओ आप तो एक जीरो और आ गया, तब ये 1000 इधर आना है तो ये हो जाएगा मेरा कितना 0.048। ठीक है,
इतना न्यूटन मीटर या फिर इतना जूल आप बोल सकते हो, जो उतना मेरा क्या टॉर्क आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और प्लेलिस्ट से आप इस चैप्टर की पढ़ाई कर सकते हो, और हमारा जो नोट्स है www.physicsbymano.com, यहाँ से फ्री PDF नोट्स, असाइनमेंट और आप एक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह वो सारा चीज़ दे सकते हो। बाय बाय।